G20 में बोले पीएम मोदी, विकसित देशों द्वारा जलवायु की वित्त की उपेक्षा नजरअंदाज नहीं कर सकता भारत। दिल्ली में खुले स्कूल, क्लास में आने के लिए बच्चों को नहीं किया जाएगा मजबूर, साथ ही शादी में भी 200 लोगों की इजाजत। योगी आदित्यनाथ का बयान, अगर तालिबान ने भारत की ओर कदम बढ़ाया तो एयर स्ट्राइक तय। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ, धीरे धीरे कवर करने की कोशिश रहेगी। नवाब मलिक पर बरसे महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष, कहा खुलासों की धमकी देना बंद करें। दिल्ली में 110 रुपए लीटर के करीब पेट्रोल, छठे दिन भी बढ़े दाम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में लगातार दूसरी हार पर भड़के क्रिकेट प्रेमी, कोहली पर उतारा गुस्सा। T20 वर्ल्ड कप में मिली न्यूजीलैंड से हार के बाद भारत के पास अब बहुत ही कम आसार है भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के। रोजाना 50 धमकियां मिलती हैं, 3 बार बदल चुका हूं सिम, शोर रद्द होने के बाद बोले मोनव्वर फारूकी। सलमान खान के गुस्से और खौफ की वजह से घर वालों ने बदल डाला फैसला, देना पड़ा क्षमता का साथ।